हेलो दोस्तों, वर्क फ्रॉम होम क्रिएशन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बाटी और चोखा। तो सबसे पहले हम चोखा बनाने के लिए देख लेते हैं हमें क्या क्या चाहिए। हमने एक बैंगन को, एक टमाटर और दो छोटे छोटे आलू को अच्छे से उबाल कर छील कर ले लिया है। एक छोटा सा प्याज काट के हमने ले लिया है। ये जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, हरी मिर्च, लहसुन, थोड़ा सा ये हरा धनिया और तेल। तो चोखा बनाने के लिए हम एक पैन में तेल डालेंगे। ये हमने सरसों का तेल लिया है। अगर सरसों का तेल आपके पास हो तो आप उसको यूज़ करें, ना हो तो आप कोई भी खाने वाला तेल यूज़ कर सकते हैं। सरसों के तेल में बहुत ही अच्छा चोखा बनता है। तो अब तेल गर्म हो गया है, इसमें हम ये लहसुन डाल देंगे। तो लहसुन डाल के हम 1-2 सेकंड तक ही बस भूनेंगे, हमको इसको ज़्यादा नहीं पकाना है। अब हम इसमें ये हरी मिर्च डाल देंगे, साथ ही साथ हम ये प्याज भी डाल देंगे। प्याज को डाल के हम थोड़ा सा पका लेंगे। तो प्याज हमारा अच्छे से भुन गया है, अब हम ये सारे जो मसाले रखे हैं इन सबको भी डाल देंगे। अब मसाले भी भुन गए इसमें हल्का सा, और अब हम इसमें ये उबले हुए आलू, टमाटर और बैंगन को भी डाल देंगे। तो ये देखिए सारे मसाले इसमें अच्छे से मिक्स हो गए हैं। इसको हम अच्छे से थोड़ा सा पका लेंगे। अब हमारा चोखा अच्छे से एकदम पक चुका है, अब हम इसको निकाल लेंगे। तो चलिए अब हम बाटी के लिए तैयारी कर लेते हैं। ये हमने आटा लिया है, थोड़ा सा सूजी, नमक, चुटकी भर सोडा और ये बटर है, इसकी जगह आप घी भी यूज़ कर सकते हैं, और ये पानी। तो सबसे पहले हम ये आटे में सूजी को डाल देंगे, ये नमक और ये बेकिंग सोडा, इन सबको हम ड्राई ही मिक्स कर लेंगे पहले। अब हम इसमें ये बटर थोड़ा सा डालेंगे। बटर डाल के भी हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से पहले। तो अब सारी चीज़ें अच्छे से मिल गई हैं। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और सख्त आटा तैयार करेंगे। हमारा आटा तैयार है। ये बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है। जैसा आप रोटी बनाने के लिए आटा रखते हैं उससे थोड़ा सा टाइट ही आप आटा रखें। ये अब हम इसको 5 मिनट के लिए ढक के छोड़ देंगे। तो चलिए अब हम बाटी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक मोटी तली का तवा ले लेंगे। आप कढ़ाई भी ले सकते हैं या तो फिर इसकी जगह आप कुकर भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको प्रीहीट करेंगे। उसके लिए हम गैस चला देंगे अपना और इसको रख देंगे ढक के। आप इसको किसी ऐसे बर्तन से ढके जिससे कि उसके ऊपर से भी हीट नीचे ट्रांसफ़र हो। जब तक ये हमारा तवा गर्म होता है तब तक हम ये बाटी को बना लेते हैं। बाटी बनाने के लिए हम आटे को इक्वल पोर्शन में पहले तोड़ लेंगे। तो ये देखिए हमने सबको इक्वल पोर्शन में अब तोड़ लिया है। अब इसकी हम लोइयां बना लेंगे और इन लोइयों को हम थोड़ा सा दबाएंगे ऐसे, और फिर बीच में से ऐसे दबाएंगे, फिर इसको ऐसे फोल्ड करके वापस ऐसे दबाएंगे और ऐसे फोल्ड कर देंगे, और ऐसे गोल करते हुए हम दबा लेंगे। तो इससे हमारा बाटी बहुत ही अच्छा बनेगा। तो इसी तरह से हम सारी बाटियों को बना लेंगे। तो ये देखिए हमने अब सारी बाटियों को बना लिया है, और ये हमारा तवा भी अब अच्छे से प्रीहीट हो गया है। तो हम इसका ढक्कन हटाएंगे
जो बहुत ही अच्छे से प्री हीट हुआ है। अब हम आँच को मीडियम कर देंगे और सारी बाटियों को हम इस पे एक एक करके रख देंगे। हमने सारी बाटियों को इस पे अच्छे से लगा दिया है कि हमने सारी बाटियों को तवे पे डाल के अब अच्छे से ढक दिया है और आँच को हमने लो कर दिया है और इसको हम थोड़ी थोड़ी देर पे आके पलटते रहेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, लगभग 20 मिनट हो गए हैं और हमारा बाटी भी अब एकदम अच्छे से सिक चुका है। इसको हमने पलट पलट कर अच्छे से सेक लिया है। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे। जब भी आपको इसको सर्व करना होगा, इसको तोड़ के इसके अंदर घी डालें और घी के अंदर इसको डुबा के गर्मा गर्म आप इंजॉय करें। दोस्तों, तैयार है हमारा गर्मा गर्म चोखा और बाटी। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।